देवराज नामक का ब्राह्मण, जो ब्राह्मण होकर अपने मार्ग से भटक गया था, मार्ग से हट गया था, अंत गति उसकी बिगड़ जाती, अंत गति उसकी खराब हो जाती, क्योंकि ब्राह्मण होकर अपने कर्म से वंचित हो गया, चोरी करना, जुआ खेलना, वैश्यावृत्ति करना, मदिरापान करना, गलत गलत जगह पर वो जाने लगा, गलत गलत स्थानों पर वो पहुंचने लगा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपका जो मानव की देह मिली है, ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना, वैश्य का कर्म है धन एकग्रित करना, क्षत्रिय का कर्म है रक्षा करना, शूद्र का कर्म है सेवा में तल्लीन रहना। अपने कर्म को सुचारू रूप से जो कर रहा है, अपने कर्म को जो श्रेष्ठता के साथ कर रहा है, वो श्रेष्ठ है। और जो कर्म से हट गया, जो कर्म से विचित्त हो गया, वो उसकी मूलता नहीं है। होता है कई लोग अपने अपने कर्म, ये जरूरी नहीं कि सब एक जैसा कर्म करें, जैसे अपन कह सकते हैं कि भाई चूहे को चूहे दानी में, चूहा दानी जो होती है उसमें कौन रहता है, जम के बोलो चूहे दानी में चूहा रहता है, साबुन दानी में क्या रहता है, जम के बोलो जरा, साबुन रहता है, चूहे दानी में चूहा रहता है, साबुन दानी में साबुन रहता है, मच्छरदानी में बोलो बोलो जम के बोलो जरा, मच्छर रहता है, कौन रहता है, आदमी रहता है, मनुष्य रहता है। तो कोई जरूरी है कि एक जैसी क्रम चले, एक जैसी लाइन चले, अब यहां बदला कि नहीं बदला, चूहादानी में चूहा है, साबुनदानी में साबुन है, और मच्छरदानी में मनुष्य है, मच्छरदानी में होना किसको था, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, मच्छर को होना था, पर है कौन, आदमी। कोई जरूरी कि सब एक जैसे चले, पर हमारे घर की धारणा हमने ये बनाकर रखी है, सास ये चाहती है कि बहू मेरे जैसी चले। अब उसको कौन समझाए कि मच्छरदानी में मच्छर नहीं, अब उसको समझाना भी तो पड़ेगा कि साबुनदानी में साबुन चल रह सकता है, चूहादानी में चूहा रह सकता है, कोई जरूरी है कि मच्छरदानी में मच्छर रहे, आदमी को भी देना पड़ता है। तो कई सासों का एक नियम होता है, सासुओं के मन में एक बड़ी बड़ी बात आती है कि नहीं साहब, मैं जैसी रही हूँ मेरी बहू ऐसी रहे, मेरी देवरानी भी मेरे हिसाब से चली, मेरी जेठानी मेरे हिसाब से चली, मेरी दोनों तीनों बहुएँ मेरे हिसाब से चलना चाहिए। तो कोई ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे हिसाब से चलेगी, कभी कभी उल्टा भी हो सकता है। इसलिए शास्त्र ये कहता है कि जितना बन सके आने वाली पीढ़ी जिस लेवल से चल रही हो, उस हिसाब से आपका भी मार्ग आपको चलना पड़ सकता है, थोड़ा मार्ग बदल कर आपको भी जाना पड़ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपने मार्ग को भी बदल सकते हो। कितनी कृपा है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये